हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं कहाँ जा रही हूँ? ऑटो से आप देख सकते हैं, वाशु को स्कूल से लाने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। बहुत तेज़ वाली बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी एकदम कंटिन्यू हो रहा था। दो दिन तो कंटिन्यू ही हुआ, तो स्कूटी से नहीं जा सकती थी ना, तो इस वजह से मैंने ऑटो रिजर्व किया और उसके बाद फिर गई वाशु को लेकर के स्कूल से आई। वाशु को बहुत मज़ा आया। मैं इसमें ना आईफोन में ऐसे स्लाइड करती हूँ, इसमें भी ऐसे स्लाइड कर रही थी। अभी हमारा दरवाज़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसका माइका नहीं है, सेम मिला नहीं, तो अभी हम दूसरे जगह जा रहे हैं देखने के लिए कि इसका माइका। आप में थोड़ा सा येलो ही आ रहा है, मेरे में सही कलर आया है। अच्छा, मैं डोर का टूर दूंगी आप सभी को अलग से। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। उसमें हमने क्या लगवाया है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई हैं वो भी। मैंने मास्क लगा लिया, मुझे सर्दी हुआ है। सुबह इतना काम लोग किए हैं, लकड़ी पड़ी कट, इतना डस्ट फील हो रहा था और इतना छींकी हूँ मैं, इतना छींकी हूँ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। फिर सिट्रिजीन खाया है, उसके बाद से फिर मैं सो गई हूँ, उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेना है और माइका। अरे यही पहन के जा रही हूँ। ये तो मेरे घर के अंदर का चप्पल है, दूसरा पहनना है। पहन के जा रही हूँ ये वाला जो घर के अंदर पहनने के लिए लेके आई थी। मैं भी ना कुछ भी कर देती हूँ, समझ में नहीं आता है ना दोस्तों, क्या करूँ मैं। चलिए, हमने हमने दो सेलेक्ट किया है, एक ये हमारा नंबर जो हमने चेक कर लिया है ना आपसे, इन ऑप्शन के नंबर ये वाला ज्यादा मैच आ रहा है। ये फिर ग्रुपिंग कराना है तो उसके बाद ये डालिए जो ज्यादा दे दिया है ना इसके लिए। कोई बात नहीं, आपका प्रोफाइल हमारे पास है, ये वाला आप बताइएगा। इसमें देखो पतला है, हमको व्हाट्सएप करिए, इस नंबर व्हाट्सएप करिए। देखिए नंबर सेव तो आ रहा है, इसलिए बाहर जो रहेगा वो भी इसी का रहेगा। हमको व्हाट्सएप करिए, बाहर जो रहेगा वो भी इसी का रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक 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 पर्दे वाला भी ले लेते हैं। ये हमने जो बटरफ्लाई वाला लिया था पता नहीं कहाँ चला गया, उसके अलावा क्या है। सबसे छोटी साइज भी है ये? नहीं, इससे छोटी बताया थे ना, ना 8 इंच से छोटी साइज है दोस्तों। ये दोनों लोग हैं, खुलो वाशु। हेलो। अच्छा इधर। हेलो, आपको आ रही है खांसी? मैंने एक अपने लिए मंगवाया था, एक वाशु के लिए, मतलब मैंने अपने लिए ऑयल मंगवाया है। ये उमो कफ है और ये बहुत ही अच्छा है, इसे बच्चे बड़े कोई भी ले सकते हैं। ये सब कुछ पिया, लेकिन ये देखिए, ये पिलाई उनको, ये पिला दें। बहुत ही अच्छा कफ सिरप है ये। ये काम करेगा ना? हाँ, कोई भी पी सकता है, बस ये है कि बच्चों को थोड़ी सी क्वांटिटी कम देनी है। हाँ। और बड़ों को थोड़ा जो है ये फॉन्ट ऑफ वेलिक्स का ना, हर्बल का। वैसे हर जगह पे ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऑनलाइन भी मिलेगा। और इसका जो प्राइस वो भी ठीक है। हाँ, प्राइस भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता हर आदमी, बिल्कुल कर सकता है। यह है इमो कफ हर्बल कफ रेमेडी और इसमें 20 जड़ी बूटियां हैं और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रूवन है। ये पूरे तरीके से आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे बड़े सभी पी सकते हैं इसको, किसी भी टाइप का कफ हो उसमें ये वर्क करेगा। नॉन एल्कोहलिक है क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इससे ड्राउजीनेस नहीं होती है, इरिटेशन भी नहीं होती है और ड्राइजनेस ऑफ माउथ एक्सेट्रा ये सब नहीं होता है। पता है ये तुरंत इफेक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसमें है सीतो पलादी, बहेड़ा, कपूर, मुलेठी, पीपली और तुलसी, सौंठ, लौंग, हल्दी जैसे 20 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी वर्क करता है। आप सबको पता है कि वाशु को बहुत टाइम से कफ की प्रॉब्लम है, अक्सर ही आप सभी देखते होंगे। तो मैंने सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिखा, तब मुझे किसी ने ये रिकमेंड किया और सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप सभी एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सबको भी लगेगा कि हाँ वाकई ये बहुत ही अच्छा हमें मिल गया है। बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए बच्चों को ही होती है कफ की, सबसे ज़्यादा। तो मैं तो इसका इफेक्ट देख रही हूँ और मैंने जैसे विहान है उसको भी मैंने दिया कि इसको पिलाइए,
इसको रिजल्ट मिलेगा। और ये इसने नाइट में पिया, मॉर्निंग में पिया, बस इतने में ही इसको इफेक्ट अच्छा खासा दिख गया। सारी डिटेल जो है आपको बॉक्स पे ही देखने को मिल जाएंगी, देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स भी आपको बॉक्स पे ही देखने को मिल जाएंगे। मैं क्या करूंगी ना, इसका लिंक ही दे दूंगी ताकि सभी लोग परचेस कर सकें, ये सबसे अच्छा है। तो मैं लिंक इसका दे दूंगी, आप सभी परचेस कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, इसका नुकसान है ही नहीं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। पर्दे लेने आई हूँ, फिलहाल जल्दी जल्दी में लेना पड़ रहा है सिर्फ एक रूम का, बाद में वो पर्दे तो अपने ऊपर है कितना रखना है कितना नहीं, तो फिलहाल काम चलाने के लिए ले रही हूँ, तो डर लगता है सोने में ना इसलिए। बाकी मैं अपने रूम के लिए और एक और इस वाले रूम के लिए जिसमें हम सोते हैं अभी फ़िलहाल वाशरूम वाले में, बाद में लूँगी। फिलहाल काम चलाने के लिए मैं सोच रही हूँ ये वाला मैचिंग जाएगा, ये वाला जो है ना ये, बट थोड़ा सा और अगर अलग दिखा देते तो ज़्यादा सही रहता, कुछ कुछ दिख नहीं रहा है। तो पता नहीं क्या क्या, हमने एक शॉप देखी हुई है थोड़ा डिस्टेंस पे है, वहाँ पे जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पे तो ऑप्शन ही ऑप्शन है बहुत सारा। मैं क्या सोच रही हूँ, जो स्टील वाला लगा हुआ है ना ऐसे, ये चीज़ वो उसका ना, अगर नहीं मिलेगा तो फिलहाल काम चलाने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ ये ना हो फिर बाद में बनवा लूँगी धीरे धीरे, फिलहाल के लिए देखते हैं। ये ढूंढ रहा है, मैंने कहा उसी टाइप में थोड़ा और कुछ और अलग ढूंढे, ये निकाले। ये कैसा रहा, ये गंदा है क्या सामने से, थोड़ा सा इसको हल्का सा ओपन कीजिएगा। ये कैसा लगेगा, कितने रुपए मीटर है ये, कितने मीटर, और ये कितना मीटर आएगा लेंथ, अगर उतना हम रखें तो कितना मीटर आएगा, और कितना बताया है रेट अभी भूल गए। हम चाहते तो कुछ टाइम बाद भी लेते, ऐसा कुछ नीड नहीं था तुरंत, लेकिन क्या है ना रात में डर लगता है, ऐसे पूरा ग्लास का है। तो एक दिन क्या हुआ कि मान्य आई थी वाशु की जो छोटी टीचर है, तो वो बोलने लगी कि ऐसे मान लीजिए कि कोई आकर के विंडो पे ऐसे करके खड़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं पहले इस रूम में लगवा देते हैं क्योंकि इसी रूम में हम सोते हैं, तो इसलिए हम गए थे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। कुछ और भी डिज़ाइंस हमने देखे तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और ये सब क्लिप जो आप देख रहे हैं ना, कल की भी आज की भी, ये सब एक ही दिन की है, हमने उस दिन बहुत काम किया था, इधर उधर आना जाना, फिर घर पे, फिर वाशु को स्कूल छोड़ना। बट ये है कि क्लिप थोड़ी सी ना अलग अलग हो गई है, इसमें कुछ और है उसमें कुछ और है। तो भैया ने कुछ पैम्पलेट्स भी दिखाए तो वही हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लेना सही है। मैं थोड़ा सा लाइट शेड ही चाह रही थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया दो तीन, वो तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, बस एक थोड़ा सा आया तो उसका साइज़ ही अवेलेबल नहीं था हमारे, जैसे कि कर्टेन जो है वो काफ़ी लंबे में आएगा और उसकी हाइट जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मुझे पैम्पलेट्स देखना पड़ा। बट इन्होंने बोला कि दो तीन दिन का टाइम लगेगा आने में, मैंने कहा दो तीन दिन का टाइम लगेगा तब पता चलेगी, मैं रात भर जगी रह जाऊँ और सोऊँ ही ना। मैं बताया था ना मैंने एक वीडियो में शायद, कि मैं वेट करती हूँ जब मुझे डर लगता है कि जल्दी से सुबह हो तब तो मैं सोऊँ, तो 3 o'clock हो जाते हैं कभी कभी, कभी 4 हो जाता है, ऐसे मैं सोती हूँ डर की वजह से। क्या करूँ, डर लगता है ना, ऊपर तो एकदम सूना सूना लग रहा है, नीचे वाले में तो थोड़ा सा ये था कि हाँ नीचे और लोग भी रहते हैं, इस फ्लोर पे जिस पे हम रहते हैं उस पे तो कोई भी नहीं रहता, तो इसलिए डर लग रहा था। मैंने कहा कि नहीं चलिए लेके आते हैं, और यहाँ आने के बाद जब सबको हमने मिठाई उठाई खिलाया था उसके बाद वापस हम गए थे ये स्पेशली पर्दे के लिए कि हम इसको ले, कहीं कहीं कर्टन बोल रहे हैं कहीं कहीं पर्दा बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इंसानों गलती हो जाती है कभी कभी, मैनेज कर लीजिएगा। अभी कुछ लोग बोलने लगेंगे या तो कर्टन बोलिए या तो पर्दा बोलिए, आप लोगों से भी गलतियाँ होती होंगी, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेरे से ही गलती होती है कि नहीं, बताइएगा आप सभी कमेंट्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मिस्टेक मैं करती हूँ उस तरीके से आप में से कौन कौन करता है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग करते हैं, देखिए इतना लाइफ में हॉट वॉच होता है ना, काम का लोड, फिर उसके बाद फैमिली, ये सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत इंसान ऐसी गलतियाँ कर देता है कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो उल्टे सीधे निकलने लगते हैं, और मेरे साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है।
अभी मैं आपको और भी डिज़ाइन दिखाती हूँ, आप सब भी बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है आप सबको, कौन सा ज़्यादा समझ में आया। ब्लू नहीं है, पीच पीच होगा। हाँ ये इस टाइप का, ये इस टाइप का हमारे इसमें लगेगा। ये कितने का ये वाला आएगा? ये 455 रुपये में। तो ज़्यादा ही है सब उसमें का महंगा ही मिल रहा है। ये पूरा अलग डबल स्ट्रक्चर की बिना आउट होती है। ये वाला लगेगा हमारे का तो इसमें से अभी मैं तो यही वाला देखूँगा कैसा पर्दा बनेगा वो। फिर उसके बाद हम आ गए घर, हमें वहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आया। जो हमें पसंद आ रहा था उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, और एक पसंद आया तो उसको बोल रहे थे कि 3-4 दिन का टाइम लगेगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि कल अब मैं जाऊँगी मार्केट तो खुद ही जा कर के देख लूँगी और तुरंत का तुरंत ले लूँगी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर भी मेरे साथ साथ है। और आज का खाना जो है ना, मतलब मटर पनीर बनाना था, तो इसने ही बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। मैं ही बनाती हूँ मैक्सिमम, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बना देना तुम आज, तो बोली कि ठीक है मैं बना दूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हालांकि रेसिपी पूरा मैं नहीं ले पाई, पता नहीं मैं क्या कर रही थी। अच्छा कल मुझे एक लोगों ने कमेंट किया था कि आप लेटेस्ट व्लॉग डालिए, तो ये सब लेटेस्ट ही व्लॉग है। अब कौन सा व्लॉग, उनको मैंने बोला ना कि गृह प्रवेश में ये लोग नहीं आते, तो उनको लगा कि गृह प्रवेश के टाइम का व्लॉग है। नहीं नहीं ये तो अभी करेंट का ही व्लॉग है, आप न्यू व्लॉग ही देख रही है। मैं बहुत ज़्यादा दिन तक व्लॉग नहीं रखती हूँ, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। हाँ ये है कि मैंने वीडियोस जो है वो दोनों मोबाइल से ज़्यादा ही शूट कर लिया था, इसलिए आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और मैं ट्राई करूँगी, मुझे नहीं लगता कि इधर मैं 2 व्लॉग कर पाऊँगी। मैंने सोचा था थोड़ा सा और हार्डवर्क करूँगी अपने चैनल पर, 2-2 व्लॉग डालूँगी, लेकिन घर में फिर से काम लग गया, तो पूरे टाइम मतलब मॉर्निंग के 10 o'clock से लेकर के इवनिंग के 6 o'clock तक पूरा खटपट ही इतना शोर होता है ना कि मैं 2 व्लॉग अब नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी एक लोग की स्टोरी बताने के लिए आ गई हूँ। जैसे क्या हुआ, वास्तु तो हमारी फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड है, तो वो मेरा व्लॉग बहुत पहले से देखती थी और मेरे बारे में इसको बताती थी। उनको ये नहीं पता था कि मैं इसकी बहन हूँ, मेरे बारे में बताती थी कि एक ब्लॉगर है, अभी कमी एज है, देख रही थी। हाँ वो जितना वो देख रही थी मेरे स्टोरी उतना वो इसको बताती थी। तो फिर तुम कब बताई उनको कि वो मेरी बहन है? नहीं, उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए था तो बोले अच्छा रुकी मेरी दीदी उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक शेयर कर देते हैं आपको। तो कहते अरे यार ये तो वही यूट्यूबर है, मेरी दीदी वीडियो देखती है, पूरी स्टोरी बता रही थी दीदी की बता रही है। तो कह रही अरे तुम मेरी बहन हो, सगी बहन हो। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा, मुझे मैंने सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा मैं इस स्टोरी को शेयर करती हूँ कि मतलब बात हो रही है उन्हीं के बारे में, बाद में पता चला अरे तुम्हारी बहन है, तुम्हारी सगी बहन है। हाँ क्या नाम है उनका? हेलो बोलो दोनों लोग का। उनकी दीदी का नाम नहीं पता है लेकिन प्रियंका नाम है उनका, प्रियंका। हेलो प्रियंका जी, और आपकी दीदी को भी थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। और हाँ मैं इनकी बहन हूँ, सगी बहन हूँ, इनसे बड़ी हूँ मैं और मेरे जस्ट बाद ये हैं, बाकी सब इन लोग इनके बाद है। इनके बाद हाँ कभी आऊँगी लखनऊ तो मिलूंगी आपसे। वो लखनऊ में रहती है? मेरे कॉलोनी में ही। तो अच्छा, और वो जो उनकी बड़ी दीदी है वो चंडीगढ़ में शायद रहती है। अच्छा चंडीगढ़ मुझे जाना है। हाँ। एक लोगों ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। ओ, तब ठीक है। एक है काफ़ी अच्छी हैं, वाशु के लिए विश भी मांगी थी तो मैंने सुना, तो मैं तो माँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे के लिए किसी ने इतनी मतलब बहुत, मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकती अभी। हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला नहीं आपको आना है ना, मैंने कहा ठीक है जब भी मैं आऊँगी तो मैं चंडीगढ़ जरूर आऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच, आपसे भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। चलिए खाना खा लेती हूँ, हाथ दुखने लगा। इसको मोबाइल पकड़, बहुत भारी मोबाइल है। बस फ्रंट में थोड़ा सा देख रही हो, अजीब सा आ रहा है फ्रंट में, बैक से तो ठीक, जो पकड़ेगा उसके लिए सही नहीं आ रहा है, जो दूर से देख रहा है उसके लिए तो सही है, दूर से जो देख रहा है उसके लिए सही। एक तो मैं हेयर वॉश कराने जाना था, मैं गई भी नहीं, चिपकू सी लग रही हूँ क्योंकि मैंने केराटिन करवाया ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी दिन में कि नहीं मैं गई। बस मैं वीडियो बनाया जा रही थी, वीडियो का एंड नहीं कर पाई तो मुझे इसी तरीके से करना पड़ रहा है। दीदी यहीं है, खटपट हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, और मेरे से जो भी थोड़ी बहुत गलती हो जाना प्लीज़ उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा और माफ़ कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।